नेक्स्ट फिगर हमारे पास हैवी ए कार। तो हैवी ए कार का कहना था कि जो फंक्शनल साइकोलॉजी है ये बेसिकली अमेरिकन साइकोलॉजी है। 1925 में उन्होंने अपनी एक टेक्स्ट बुक शाया की थी जिसका टाइटल था साइकोलॉजी, और ये टेक्स्ट बुक बहुत ज्यादा अहम थी। तो दो मेजर पॉइंट हमें इनके फंक्शनलिज्म से नजर आते हैं। नंबर वन है एकार के मुताबिक सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी साइकोलॉजी एज आ मेंटल एक्टिविटी होनी चाहिए, ये उनका पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा मेजर पॉइंट ये है कि उन्होंने कहा था कि हमें पढ़ना चाहिए फंक्शन ऑफ मेंटल एक्टिविटी। पहले तो हम ये देखें कि कौन कौन से मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, मेंटल एक्टिविटी किस तरह की होती है, उसके बाद ये जानने की कोशिश करें कि इस मेंटल एक्टिविटी का फंक्शन क्या होता है। और जो फंक्शन है वो हमें इस तरह से जिस तरह से उन्होंने बताया था बिल्कुल उसी तरह से पढ़ना चाहिए। मैं पढ़ने लगा हूँ फिर ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। द फंक्शन ऑफ मेंटल एक्टिविटी इज टू एक्वायर फिक्सेट रिटेन ऑर्गेनाइज एंड इवेल्युएट एक्सपीरियंसेस। कि हम मेंटल एक्टिविटी के फंक्शन को इस तरह से पढ़ें कि किस तरह से मेंटल एक्टिविटी हमको मदद फ्राहम करती है किसी एक्सपीरियंस को हासिल करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए, उसको रिटेन करने के लिए, उसको रिटेन करने के लिए मतलब बरकरार रखने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, मुनज्जम करने के लिए, और उसको इवेल्यूएट करने के लिए। और इसके अलावा उन्होंने कहा था एंड टू यूज दीज एक्सपीरियंस टू डिटरमाइन्स वंस एक्शंस। और ये देखें कि किस तरह मेंटल एक्टिविटी से उन एक्सपीरियंस को इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमारे एक्शंस को डिटरमाइन करते हैं, जो कि हमारे रिएक्शंस को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन शॉर्ट उनका कहना ये था कि हम मेंटल एक्टिविटी के फंक्शंस को जानना चाहिए, और जब हम मेंटल एक्टिविटी के फंक्शन को जान लें कि वो किस तरह से हमें तजर्बात को हासिल करने, उनको फिक्स करने, बरकरार रखने, उनको मुनज्जम करने और उनको इवेल्यूएट करने में मदद फ्राहम करती है, और फिर किस तरह से उन्हीं तजर्बात को इस्तेमाल करके हमारे एक्शंस को डिटरमिन करती है। यहाँ से हमें एक बात पता चली कि जो हमारी मेंटल एक्टिविटी है, जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, वो डिटरमिन करते हैं हमारे बिहेवियर को। आज हम जानते हैं कि जो हमारे बिहेवियर होते हैं उनके पीछे हमारे मेंटल प्रोसेसेस या कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब यही था। इसके अलावा जो मेंटल एक्टिविटीज हैं उनको एकार ने कहा था कि वो अडेप्टिव होती हैं या एडजस्टिव होती हैं, मतलब हेल्प करती हैं अडेप्ट करने के लिए या एडजस्ट करने के लिए। उन्होंने मेंटल एक्टिविटीज की वजह से जो एक्शंस प्रोड्यूस होता है उस एक्शन को अडेप्टिव या एडजस्टिव बिहेवियर का नाम दिया था। नेक्स्ट शख्सियत हमारे पास है आर एस वुडवर्थ। तो वुडवर्थ की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन एस ओ आर थ्योरी है, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स थ्योरी। मोर ओवर इन साहब का कहना ये था कि जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है उसकी वजह से रिस्पॉन्स जनरेट होता है, और उन दोनों को हम ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो रहा है उसको हम ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बल्कि उसको जानने के लिए हमें इंट्रोस्पेक्शन का मेथड इस्तेमाल करना चाहिए। तो विलियम जेम्स ने इंट्रोस्पेक्शन को एक्नॉलेज किया था और साथ उन्होंने कहा था कि दूसरे मेथड का भी इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर वुडवर्ड्स की फिलॉसफी से हमें पता चलता है कि हमें ऑब्जर्वेशनल्स और इंट्रोस्पेक्शन दोनों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ऑब्जर्वेशनल मेथड्स का इस्तेमाल हम एक्सटर्नल स्टिमुलाई को एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देने के लिए और उसके रिस्पॉन्स को जानने के लिए करें, और जो इंट्रोस्पेक्शन है उसका इस्तेमाल हम ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले चेंजेस को, इंटरनल फैक्टर्स को जानने के लिए हम इंट्रोस्पेक्शंस का इस्तेमाल करें। इसके बाद उन्होंने एक
बहुत ही मशहूर कॉन्सेप्ट दिया था। डायनामिक का वर्ड पहले भी यूज हो चुका है और ये वर्ड यूज किया था जॉन डेवी ने और विलियम जेम्स ने, और इस वर्ड को रीयूज किया था डायनामिक साइकोलॉजी में वुडवर्थ ने। डायनामिक साइकोलॉजी से मुराद ये था कि हम साइकोलॉजी में मोटिवेशन को स्टडी करें कि वो कौन से फैक्टर होते हैं जो कि हमें मोटिवेट करते हैं, और कहा जाता है कि वुडवर्थ साइकोलॉजी को एक सेपरेट साइकोलॉजी बनाना चाहते थे, या फिर साइकोलॉजी की एक सेपरेट ब्रांच या फिर बॉडी ऑफ नॉलेज बनाना चाहते थे जिसका नाम हो सकता था मोटिवोलॉजी। लेकिन आपको पता है कि मोटिवोलॉजी के नाम से हमारे पास कोई भी ब्रांच मौजूद नहीं है। तो डायनामिक साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट सर्चिंग फॉर कैजुअल फैक्टर्स इन्वॉल्व इन मोटिवेशन। तो डायनामिक साइकोलॉजी में फोकस किया जाता है काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को, कि मोटिवेशन इफेक्ट है और इसके काज हमने ढूंढने थे। तो यहीं से फिर मोटिवेशन के ऊपर काम होना शुरू हुआ था। तो जब भी वुडवर्थ का जिक्र होगा तो उनको हम याद रखते हैं मोटिवेशन के कारनामे से, और आपको पता होगा कि मोटिवेशन के चैप्टर में मोटिवेशन की जो सबसे वैलिड डेफिनेशन थी, सबसे अच्छी डेफिनेशन हमें मिलती है, वो वुडवर्थ की ही मिलती है। उनकी जानब से दी हुई डेफिनेशन को ही हम सबसे वैलिड डेफिनेशन मानते हैं। इसके अलावा उन्होंने गोल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में भी हमें बताया था कि साइकोलॉजी का गोल ये होता है कि चाहे बिहेवियर या फिर व्हाई पीपल बिहेव एज दे डू, के लोग जो कुछ करते हैं वो क्यों करते हैं। और आज हम साइकोलॉजी को डिफाइन करते हैं तो हम लेमैन डेफिनेशन में यही कहते हैं कि हम स्टडी करते हैं कि लोग जो कुछ करते हैं वो क्यों करते हैं, व्हाई पीपल डू व्हाट दे डू इज कॉल्ड साइकोलॉजी।